OTG, जी हाँ, इसी OTG कनेक्टिविटी की हेल्प से अभी जो आपने देखा वो पॉसिबल हुआ। इसके थ्रू आप अपने एंड्रॉयड फोन में कोई भी दूसरा डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, गेमिंग कंसोल हो गए, इन डिवाइसेस को आप इजीली कनेक्ट करके यूज कर सकते हो और कोई भी हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव उसका डेटा भी आप अपने फोन से इस OTG कनेक्टिविटी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आप कैसे पता करें कि आपके फोन में OTG कनेक्टिविटी है या नहीं, और अगर है तो उसे कैसे यूज करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा जिन लोगों की चुल होती है नई चीजें जानने की, जैसे मेरे अंदर है। सो माय नेम इज अमित एंड यू आर वाचिंग आई एम चौहान। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए, ये है OnePlus 6 फोन, काफी पुराना है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे पेन ड्राइव का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। पेन ड्राइव में आपके दो प्लग हैं, देखिए एक USB प्लग इन है और जो दूसरा है वो सी टाइप है। तो जो सी टाइप प्लग इन है ये तो इसमें लग जाएगा क्योंकि इसका जो पोर्ट है ये सी टाइप है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पेन ड्राइव को लगा दिया है। अब हम जाएंगे फाइल मैनेजर में। अब आप देखिए यहाँ पे स्टोरेज में आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा है सिर्फ। तो अगर हमें इस पेन ड्राइव का डेटा एक्सेस करना है तो मुझे OTG अपना ऑन करना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगा सेटिंग्स में और आपको अपनी सेटिंग्स में यहाँ पे सर्च में टाइप करना है OTG। तो यहाँ पे देखिए OTG आ जाएगा अगर आपके फ़ोन में होगा तो। आप इस पर जाएंगे और इसको ऑन कर देंगे। अब इसके बाद दोबारा आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव का डेटा आ गया है। और इसका दूसरा शॉर्टकट है, आप अगर यहाँ पे देखोगे, इसको पूरा ओपन करोगे, या आपके नीचे भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप पूरा चेक कर लेना और इसको आप यहाँ पर शॉर्टकट लेके आ सकते हो। तो ऐसे आप इसका शॉर्टकट यहाँ पे बना सकते हो। अब देखिए अभी पेन ड्राइव का डेटा एक्सेसिबल है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, शो कर रहा है। तो अगर मैं OTG को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो देखिए पेन ड्राइव का डेटा चला गया, अभी पेन ड्राइव एक्सेसिबल नहीं है। अब दोबारा मैं इसको अगर ऑन करूँगा, पेन ड्राइव का डेटा आ गया। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कोई भी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव का डेटा एक्सेस कर सकते हो OTG कनेक्टिविटी की हेल्प से। अब मैं आपको इसमें माउस यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहा माउस, इसको हम ऑन करेंगे और ये है माउस का USB प्लगइन। तो ये तो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे USB पोर्ट नहीं है। तो उसके लिए आपको एक OTG कनेक्टर लेना पड़ेगा। जो OTG कनेक्टर हैं ये काफ़ी तरह के आते हैं और ये जो है ये डेल ब्रांड का है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये OTG कनेक्टर मार्केट से ले सकते हो। ये देखिए ये सी टाइप है जो मेरे फ़ोन में लग जाएगा और यहाँ पर ये यहाँ पे आपको USB पोर्ट दिया हुआ है। तो इसमें मैं ये USB प्लगइन लगा दूंगा और ये जो OTG कनेक्टर है ये मैं लगाऊंगा अपने फोन में। अब देखिए माउस ऑन है, मेरे फोन में ये माउस चल रहा है। देखिए मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। आप अपना YouTube खोलिए, ठीक है, YouTube में आपको IM चौहान करके चैनल मिलेगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है इस तरह से। इसके बाद अब मैं आपको कीबोर्ड कनेक्ट करके दिखाता हूँ अपने इस फ़ोन से। और ये है कीबोर्ड का USB प्लग, इसको यहाँ पे लगाया और ये रहा हमारा कीबोर्ड। अब देखिए यहाँ पे गूगल पे मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। तो अगर आपको कुछ भी मैसेज लिखना है आप वो भी कीबोर्ड से लिख सकते हो। ये देखिए, अब जो लेटेस्ट फोन्स और डिवाइसेस आ रहे हैं जैसे ये टैब है, इनमें आपको बस डिवाइस प्लग इन करना है। हम पहले फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। देखिए फाइल मैनेजर ओपन है, अभी इसमें मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये मेरा USB का डेटा है। तो जो नए फोन्स आ रहे हैं, नए डिवाइसेस आ रहे हैं, उनमें आपको OTG फीचर मैन्युअली ऑन नहीं करना होता जैसे हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में होता है। आप सीधे प्लग इन करो और आप डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको मैं माउस भी यूज़ करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पे हमने ये लगा दिया OTG कनेक्टर, और ये हमारा माउस का USB प्लग, इसको भी हमने लगा दिया, और ये हमारा माउस, माउस को ऑन किया, मैं इजीली माउस यूज़ कर सकता हूँ। चिंता मत करो, यहाँ पे कुछ सब्सक्राइब नहीं करना क्योंकि मेरा चैनल नहीं है, ऋषित का चैनल है। आप इजीली माउस से स्क्रॉल कर सकते हो, आपको अगर कोई वीडियो चलाना है। और मैं आपको इसमें कीबोर्ड भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, कीबोर्ड भी चला के दिखा देता हूँ। ये हमारा कीबोर्ड का, ये हमारा कीबोर्ड, तो यहाँ पे टाइप किया I am Chauhan, तो देखिए अपना चैनल आ गया है। तो इसी तरह आप अपने फोन से किसी भी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव का डेटा एक्सेस कर सकते हो, फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हो, और कई सारे डिवाइसेस अपने फोन में कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। बाय बाय।